दिल्ली को ग्रीन दिल्ली बनाने के लिए केजरीवाल सरकार ने पिछले एक दशक में जो काम किया उसका नतीजा ये है कि दिल्ली का ग्रीन कवर तो 23% से ज्यादा हुआ ही, प्रदूषण भी 30% कम हो गया और साफ हवा वाले दिन बढ़कर अब 206 हो गए हैं। लेकिन सर्दियां आते ही प्रदूषण अपने पीक पर पहुंच जाता है, इसीलिए अब इस लड़ाई को और बड़ा किया जा रहा है। इस बार 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान पर काम शुरू हो गया है। 35 विभागों के साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने हर पहलू पर योजना तैयार करने के लिए नोडल एजेंसियां नियुक्त कर दी हैं। 35 विभागों के साथ ज्वाइंट बैठक हुई है, उसमें ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि इस बार 15 सूत्री की जगह 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान पे सरकार काम करेगी। अलग अलग विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियों को सौंप दिया गया है और ये 12 सितंबर तक अपनी कार्य योजना बना करके जो है पर्यावरण विभाग को सौंपेंगे। प्रदूषण दिल्ली वालों पर हावी हो उससे पहले ही केजरीवाल सरकार पूरी तरह तैयार हो गई है। इस बार दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा, एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल बड़े स्तर पर होगा ताकि धूल से बचाव हो सके, वाहनों का प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, इन सभी को रोकने के लिए ऑड इवन, वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्प अपनाने की योजना बनाई जा रही है और आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए पर्यावरण विभाग केंद्र सरकार के सहयोग के लिए काम कर रहा है। प्रदूषण के विरुद्ध ये महायुद्ध है, ये दिल्ली वालों के अच्छे स्वास्थ्य की लड़ाई। दिल्ली को स्वस्थ और स्वच्छ बनाना ही केजरीवाल जी का लक्ष्य है, इसीलिए अब केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस बार सर्दियों के प्रदूषण को मिलकर हराएगी दिल्ली।